शशि शुक्ला डॉट कॉम किचन में आपका स्वागत है। आज मैं मखाना मटर की सब्जी बनाना बताने जा रही हूँ। ये देखिए, लगभग मैंने 100 ग्राम मखाना ले लिया है, 150 ग्राम के लगभग ये मखाना है। इसको हमें रोस्ट कर लेना है एक चम्मच घी डाल के। तो इसको मैं साइड कर देती हूँ, अभी रोस्ट करेंगे। तब तक हम ग्रेवी बनाने के लिए भी तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने पानी लिया है, इसमें मैंने ये 3 कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं। रफली ही हमने काटा है क्योंकि हमें इसकी अभी पीस के हमें इसको ग्रेवी में कन्वर्ट करना है। और ये देखिए, 8 से 10 कलियाँ लहसुन की ली हैं, 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं मैंने, ये अदरक ले लिया है मैंने 2 इंच का टुकड़ा, 5 काजू, 5 बादाम, 1 इलायची बड़ी, और ये देखिए 3 लौंग ले लिया है, आधा चम्मच जीरा ले लिया है, ये 2 मैंने साबुत लाल मिर्च ले ली है। और इसको हम चढ़ा देंगे और इसको 7 से 8 मिनट हमें इसको मीडियम फ्लेम पे बॉईल करना है, जब तक सारी चीज़ें पक ना जाएं। ये देखिए फ्रेंड, इधर हमारे जो हमने बॉईल करने के लिए चढ़ाया है प्याज टमाटर मसाले के लिए, ग्रेवी के लिए, वो पक रहे हैं। और इधर हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे मखाना, एकदम मीडियम फ्लेम पर हम करेंगे, मीडियम टू स्लो फ्लेम पर। हमें इसको जलाना नहीं है लेकिन हमें इसको करारा कर लेना है। तो चलिए हम इसको भून लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमारे मखाने भी भुन चुके हैं, ये देखिए अच्छे से करारे हो गए हैं। और ये इधर हमारा ये भी उबल गया है, तो इसको हम थोड़ा पहले ठंडा होने देंगे फिर पीसेंगे। और मखाने की गैस को भी बंद कर देते हैं। इसको पीसने के बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको बताती हूँ, मसाले पीस लूँ पहले। ये देखिए फ्रेंड, मैंने कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में घी डाल दूँगी और आधा बटर डाल दूँगी, दोनों मिला के लगभग 1 टेबल स्पून होना चाहिए। ये देखिए घी और बटर गरम हो गया, आधा आधा मैंने घी और बटर डाला है। कुछ खड़े मसाले डाल देंगे, 2 तेज़पत्ता, 1 जो है दालचीनी का टुकड़ा, 2 छोटी इलायची है, तोड़ दिया है मैंने थोड़ा सा, इलायची को खोल दिया है, और आधा छोटा चम्मच मैंने जीरा डाल दिया है। थोड़ा सा इसको ब्राउन होने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड, तड़का हमारा ब्राउन हो गया जो मैंने खड़े मसाले डाले थे। और ये जो बॉयल मसाला था उसको हमने पीस लिया था और एक स्ट्रेनर से निकाल लिया है। और इसको हम छान लेंगे, सबसे पहला काम हमें इसको छान लेना है, और जो स्ट्रेनर में रह जाएगा उसको हमें दोबारा से पीस लेना है ताकि बिल्कुल मसाला वेस्ट ना हो और पूरे तरीके से हम इसको सारा इसका मसाले का पल्प हम निकाल लें। ये देखिए फ्रेंड, जो हमने छानने के बाद मोटा मोटा पार्ट निकला है उसको फिर से हम पीस लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। ये देखिए फ्रेंड, हमने पूरी तरह से मसाला छान लिया है, इसमें सिर्फ छिलके, टमाटर के छिलके या मसालों के छिलके रह गए हैं और कुछ भी नहीं रह गया। अब हम इसको हटा देते हैं और मसाले को अच्छे से भूनेंगे। फ्रेंड, अब हम इसमें और अपने मसाले ऐड कर लेते हैं। अच्छा कलर देने के लिए हम इसमें कश्मीरी मिर्च 1.5 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर हमने 1 छोटा चम्मच ले लिया है, गर्म मसाला पाउडर आधा छोटा चम्मच लिया है क्योंकि हमने पहले भी डाला है, और हल्दी मैं ज़्यादा नहीं लूँगी, बस 2 चुटकी के लगभग हल्दी लूँगी। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाला अच्छे से भून लेंगे जब तक कि हमारा मसाला घी ना छोड़ दे। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, और साथ के साथ हम इसमें मटर भी डाल देंगे, इसके साथ ही मटर पक जाएगी। मटर मखाना मैं बना रही हूँ तो मटर भी हमें साथ में ही डाल देना है। ये देखिए फ्रेंड, इस स्टेज पे हम इसमें मसाला जब हमारा लगभग पक गया हो तब हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे और इसको इसके साथ मिक्स करेंगे। और साथ के साथ हमें मलाई डाल देनी है। मलाई मैं इसमें 2 बड़े चम्मच डालूंगी, ये मेरे पास दूध की मलाई है, और अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है तो आप वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप घर की मलाई भी दूध की डाल सकते हैं। मैंने 2 बड़े चम्मच डाला है, अब हमें इसको अच्छे से और पका लेना है। आप स्लो फ्लेम पे मसाले को जितने अच्छे से भूनेंगे आपकी सब्जी उतनी ही अच्छी बनेगी। थोड़े से हम इसमें काजू डाल लेंगे, 6 से 7 मैंने काजू डाल दिए हैं, साबुत काजू। इसमें हम आधा छोटा चम्मच किचन किंग मसाला डाल देंगे, और अब हम पानी ऐड करेंगे जितना हमें पानी चाहिए। आपको जैसी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। ये देखिए, मैं इसमें 200 ml के लगभग पानी डालूंगी, और ग्रेवी को अभी हमें बॉयल आने देना है अच्छे से, थोड़ा बॉयल आ जाए तब हम इसमें मखाना डालेंगे। और मखाना डालने के लिए जब आपको खाना है तभी मखाना डालिए, आप ग्रेवी बना के रख सकते हैं और मखाना बाद में ही ऐड करिए जिस टाइम खाना है उसके 10 से 15 मिनट पहले, तो ज़्यादा टेस्टी लगता है, नहीं तो मखाना जो है बहुत ज़्यादा गल जाता है। तो चलिए अब हाई फ्लेम पर हम इसको बॉयल आने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमारी ग्रेवी में बॉयल आ चुका है, लेकिन अभी हम इसे 2 मिनट और उबलने देंगे, उसके बाद ही हम इसमें मखाना डालेंगे। जब तक ग्रेवी अच्छे से पक ना जाए तब तक आपको मखाना नहीं डालना है। आप सब्जी को और रिच करने के लिए इसमें
खोया डाल सकते हैं, पनीर को भी क्रश करके डाल सकते हैं। और जो है अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो आप मखाने के बीज पीस लीजिए, लहसुन प्याज को स्किप कर लीजिए, सॉरी मखाने के बीज नहीं, खरबूजे और तरबूजे के बीज, खसखस, ये सारी चीज़ें भी आप पीस सकते हैं, इससे आपकी ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। और अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो ये ट्रिक आप अपना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमारी ग्रेवी अच्छे से पक गई है, मैंने इसमें मखाना डाल दिया है और अब हम गैस को बंद कर देंगे। अभी ये मखाना जो है सारा पानी सोख लेगा, तो पानी आप उसी हिसाब से डालिएगा जिस हिसाब से आपको खाना है, पराठे के साथ खाना है, रोटी के साथ खाना है, राइस के साथ खाना है, जिस तरह भी खाना है आप वैसी ही ग्रेवी रखिएगा। अब हम गैस को बंद करके और इसको थोड़ी देर हमें मखाने को इसके साथ अच्छे से पक जाने देना है, थोड़ा सा मखाना गल जाएगा, उसके बाद हम इसमें धनिया डालेंगे और प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, 10 मिनट हो गए हैं और मखाना अच्छे से फूल चुका है। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे और प्लेटिंग करके आपको दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए फ्रेंड, हमने इसको प्लेट में बाउल में निकाल दिया है और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर रोस्टेड कसूरी मेथी डाल दूंगी जिससे इसका फ्लेवर और अच्छा आएगा। थोड़ा सा मैंने इसको तवे पे ड्राई रोस्ट कर लिया था और इसको डाल दिया है। फ्रेंड, आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से डाल रही हूँ। तो ये हमारी मखाने मटर की सब्ज़ी तैयार है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।